हेलो फ्रेंड्स, जय साई राम। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो है होममेड चिकन बिरयानी। तो देखिए, मैंने इसका मसाला निकाल के रखा हुआ है जो मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ। तो आप मुझे बताने में अगर थोड़ा गलती हो जाएगा तो आप प्रॉपर तरीके से मसाले को देख लीजिए ताकि फिर आपको पता रहे। और मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि मैंने चिकन मैरिनेट कैसे किया होता है। एंड ये जो मैंने प्याज पहले से फ्राई करके रखा हुआ है, तो इसे आप ज़्यादा मतलब ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करना है, जस्ट डार्क ब्राउन होने तक का। और जो बिरयानी राइस था वो मैंने आधा घंटा पहले ही उसे भिगो के रखा हुआ था। सो देखिए, अब ये तेल गरम हो चुका है तो मैंने इसमें सारे खड़े मसाले डाल दिए। खड़े मसाले में जो था वो लौंग था, बड़ी इलायची, काली मिरी, दालचीनी, तेज़पत्ता, तो इसमें मैंने डाल दिया था वो सारा। और मैंने इसमें जो पेस्ट डाला है वो अदरक लहसुन हरी मिर्ची संभार का पेस्ट डाला हुआ है। और कटा प्याज मैं यूज़ करती हूँ तो मैंने इसमें कटा प्याज डाला है और कुछ हरी मिर्ची डाला है जो फ्लेवर के लिए है सिर्फ। तो इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए, प्याज हल्का सा थोड़ा रेड हो चुका है, तो हल्का ब्राउन हो चुका है, तो हमें इस तरीके से उसे भूनना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले, तो ये मसाले देखिए। और इसमें जो मैंने गरम मसाला यूज़ किया हुआ है वो मेरा होममेड गरम मसाला है जिसका मैं वीडियो शेयर करूँगी आपको। तो इसमें जो मसाले हम यूज़ कर रहे हैं अभी वो देख के यूज़ करिएगा, क्योंकि मैं अपन हमने जो चिकन मैरिनेट किया था उसमें भी मसाले कुछ यूज़ किए हुए हैं, तो मसाले का बैलेंस बना रहा है। तो अब मसाला हमारा देखो अच्छे से पक चुका है, और मसाला अच्छे तरीके से पकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब मसाला पक जाता है तो ये पूरा रेड हो जाता है इसका मसाला और इसका ऑयल ऊपर आने लग जाता है। तो इसमें हमने अभी चिकन को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसे हम आधा पकाएंगे, क्योंकि आधा हम इसे बिरयानी राइस में पकाने वाले हैं इसीलिए। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, मसाला बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है और चिकन को भी हम अच्छे से पका रहे हैं, जिसे सिर्फ आधा ही पकाना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, अभी हमने जो बिरयानी राइस भिगो के रखा हुआ था आधा घंटा पहले, अब हम इसे मिक्स करने वाले हैं मसाले में। तो ये देखिए किस तरीके से इसे मिक्स करना है, बट ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इसे मिक्स करेंगे तो हल्के हाथों से मिक्स करिएगा, क्योंकि इसमें जो इसके चावल के दाने हैं वो टूटने का डर रहता है इसीलिए। और इसमें हम जो पानी यूज़ करने वाले वह गर्म पानी यूज़ करने वाले, क्योंकि ठंडा पानी अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें चावल टूटने का डर रहता है इसीलिए, और गर्म पानी मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें। और मैं इसका पानी क्वांटिटी ऐसा लूँगी जो मैंने चावल जिसमें नापा था कटोरी में, तो वही कटोरी से नाप के मैं पानी डालूँगी। तो मैंने 5 कटोरी चावल लिया था तो उसका डबल मैं 10 कटोरी पानी लूँगी, प्लस इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है तो मैंने 13 कटोरी पानी लिया हुआ। तो देखिए, ये भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है और दिखने में बहुत टेस्टी दिख रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, अब ये किस तरीके से पका हुआ है। अब हमने जो प्याज को फ्राई किया हुआ था हम इसके ऊपर फैला देंगे और इसमें सांभर डाल के इसे आप अभी खा सकते हो गर्मा गर्म, और ये खाने में बहुत टेस्टी बना हुआ था। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।